नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पोको का C31, जो कि दोस्तों थोड़ा पुराना फ़ोन हो चुका है पोको की तरफ से, बट मैंने इसको अभी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है, तो आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। तो दोस्तों देखिए, ये है फ्लिपकार्ट वाला बॉक्स, देखिए जिसमें हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से बॉक्स मिलता है, तो इसको मैंने ओपन कर लिया था पहले ही। और दोस्तों देखिए, ये है मेरे पास रियल मी का, वो पोको का सॉरी दोस्तों, पोको का C31, ये देखिए जिसका दोस्तों ये बिल है, वो उसका बिल ये लगा हुआ आया है। दोस्तों देखिए, ये है पोको का C31 जिसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है, 3 GB 32 GB वाला। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ इसके की हाईलाइट की, तो आप देखिए दोस्तों, इसमें मिलता है हमें 6.53 इंच का एक HD+ डिस्प्ले। यह दोस्तों इसमें हमें फुल HD नहीं मिलता, और इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है ट्रिपल कैमरे का सेटअप। इसके बैक में हमें 3 कैमरे देखने को मिलते हैं, और दोस्तों इसके अंदर हमें फिंगरप्रिंट इसका जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ आपको 10 वाट का चार्जर मिलता है। तो दोस्तों इसमें जो 3 कैमरे मिलते हैं, जिसमें दोस्तों मेन कैमरा है बहुत 13 MP का, बाकी दोनों दोस्तों दोनों दो कैमरे हैं वो 2-2 MP के। फ्रंट कैमरा इसका दोस्तों 5 MP का है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको ओपन करता हूँ, और मेरे पास इसका रॉयल ब्लू कलर है, 3 GB 32 GB वाला। दोस्तों इस फ़ोन की कीमत ज़्यादा नहीं है, 8,500 रुपये यहाँ पर दिखाई जाती है फ्लिपकार्ट पे, बट अगर आपके पास जो बैंक ऑफर वगैरह होते हैं उनको लगा के, ये आपको 8,000 का पड़ सकता है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए जी है वो मोबाइल। पहले मैं आपको बॉक्स के अंदर कंटेंट दिखाता हूँ कि इसमें इसके बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों ये सिम इजेक्टन पिन, और इसके अंदर दोस्तों हमें और कुछ नहीं मिलता इस बॉक्स के अंदर, इस वाले के सिर्फ जो किताब वगैरह होती हैं वो हैं, इसके अंदर हमें कवर नहीं मिलता। तो पोको को दोस्तों इसके साथ हमें कवर देना चाहिए था, बट कवर इसके अंदर आता नहीं है। जी दोस्तों 10 वॉट का चार्जर इसका, ये देखिए दोस्तों, मेरे समझ में एक चीज़ नहीं आती कि ये मोबाइल दोस्तों पोको का है बट चार्जर हमें मिलता है इसके साथ MI का, पोको की ब्रांड नहीं आती चार्जर के ऊपर। और दोस्तों जी है इसकी डाटा केबल, जो कि दोस्तों माइक्रो USB 2 USB दोस्तों ये डाटा केबल है, टाइप सी नहीं है, ये देखिए माइक्रो USB डाटा केबल है इसके अंदर, टाइप सी केबल नहीं आती, और कुछ नहीं है इस बॉक्स के अंदर। तो चलिए फ़ोन की तरफ चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, जी है वो मोबाइल जिसके बैक में हमें कैमरे मिलते हैं 3, और दोस्तों जी आपको जो दिख रहा है पिन्नी से लगा हुआ, जो कोई पिन्नी नहीं है, ये बैक कवर की जैसे डिज़ाइन है, जो ऊपर दोस्तों एकदम फ्लैट है, एकदम दोस्तों चिकना पार्ट है, और नीचे दोस्तों इसमें लाइनिंग दी गई है। दोस्तों जी इसकी डिज़ाइन है, आपको लग रहा होगा कि इस पर कोई पिन्नी वगैरह लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके फ्रंट में दोस्तों पोको की ब्रांडिंग लगी हुई है पिन्नी के ऊपर। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पिन्नी के ऊपर लगी हुई थी। तो दोस्तों इसके यहाँ पे हमें मिलता है 5 MP का कैमरा, बैक में हमें 3 कैमरे मिलते हैं, जी है फिंगरप्रिंट स्कैनर जिसके दोस्तों वॉल्यूम अप डाउन बटन है, जी है दोस्तों इसका पावर ऑन ऑफ बटन, इसके नीचे हमें मिलता है स्पीकर, जी है दोस्तों माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट, और जी है दोस्तों इसका माइक, और इसके साइड मिलती है दोस्तों हमें सिम ट्रे, जिसमें आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हो। इसके ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पर मिलता है हमें दोस्तों 3.5 mm जैक, और दोस्तों इस फ़ोन के अंदर हमें IR ब्लास्टर देखने को नहीं मिलता। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसको ऑन नहीं किया एक भी बार, जो फर्स्ट टाइम मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए ऑन हो चुका है ये, और पोको की ब्रांडिंग यहाँ पे लिखी हुई आ चुकी है, पावर बाई एंड्रॉयड। दोस्तों इसका नाम मिलता है हमें MIUI 12। तो मैं इसे थोड़ा दोस्तों सेटअप करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों मैंने इसको सेटअप कर दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है सेटअप कंप्लीट। तो मैं इसे आगे करता हूँ। तो दोस्तों देखिए जी, हमारा फ़ोन रेडी हो चुका है, सेटअप हो चुका है, और इस तरीके से कुछ हमें इंटरफेस मिलता है। दोस्तों देखिए जे, अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, और जो अभी से ही थोड़ा हैंग होने लग गया है दोस्तों, जो अभी से थोड़ा स्टार्टिंग में हैंग हुआ था, अभी आपने देखा था हैंग हो रहा था ये, बट अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको मिलता है इसमें। ये देखिए आपको, मैं आपको दोस्तों इसके अंदर ऐप ड्रॉट भी मिलता है, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छा इंटरफेस है इसका। और दोस्तों इसके अंदर हमें मिलता है गूगल वाला डायलर। तो आप एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो आपको इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर मिलता है हमें गूगल वाला डायलर। ये देखिए आप इसमें कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जिसकी गैलरी वगैरह है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है, क्योंकि इसका कैमरा दोस्तों 13 मेगापिक्सल का है, ज़्यादा अच्छा कैमरा तो हुआ नहीं, फिर भी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो कैमरा दोस्तों सही है प्राइस के हिसाब से, 13 मेगापिक्सल कैमरा दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा है, मैं बोलूँगा सही कैमरा है इसका, ज़्यादा बुरा कैमरा नहीं है, ठीक ठाक कैमरा है, जिससे दोस्तों आप काम चल जाएगा। दोस्तों सेटिंग की बात करूँ मैं इस फ़ोन की, तो इसी सेटिंग में दोस्तों हमें, मैं आपको सेटिंग में ले चलता हूँ। दोस्तों देखिए इस तरह का इंटरफेस मिलता है जो हमें रेडमी फ़ोन में देखने को मिलता है, और इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है MIUI 12 वाला वर्जन। दोस्तों इसमें हमें नया अपडेट मिल रहा है या नहीं ये तो दोस्तों चेक करने के बाद ही पता लगेगा, बट दोस्तों मुझे लगता है कि इसके अंदर हमें अभी MIUI 12.5 वाला वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोस्तों इतना महंगा फ़ोन नहीं है। तो MIUI 12 दोस्तों काफ़ी अच्छा वर्जन है प्राइस के हिसाब से। इस फ़ोन के अंदर दोस्तों 2 SIM लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, और 32 GB दोस्तों इसमें हमें मिलती है। तो 32 में दोस्तों हमें कितनी मेमोरी मिलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों इसके अंदर हमें जो मेमोरी वगैरह है उसमें से हमें कितना स्टोरेज फ्री होकर मिलता है। दोस्तों देखिए 32 GB से दोस्तों हमें 10 GB होकर मिलती है पहले से ही, जो हमें फ़ोन पहले से ही हमारे फ़ोन दोस्तों जो एप्लीकेशन होती है फ़ोन की वो गिर के चलती हैं। तो 32 में 10 GB दोस्तों आपकी पहले से ही गिरी हुई है, तो आपको सिर्फ 22 GB करीब मिलती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 32 GB अगर आप फ़ोन ले रहे हो तो आपको सिर्फ 22 GB का ही स्पेस इसमें देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों, अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो दोस्तों आप इसे फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। फ्लिपकार्ट पर ये फ़ोन आपको 8 और 8.5 के बीच में मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा फ़ोन है नहीं, 3 GB 32 GB वाले वेरियंट। और अगर आप 4 GB वाले लेते हो तो वो आपको मिलेगा 10,000 रुपये का। दोस्तों जी जो बैक पैनल है प्लास्टिक का है, गिलास नहीं है, ये देखिए। और कैमरा का भी दोस्तों ये बम्पर वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ये देखिए। और फ्रंट कैमरा दोस्तों इसका डॉट जो है नॉच वाले डॉट वाला जो होता है, जैसे दोस्तों हमें सैमसंग के फ़ोन में देखने को मिलते हैं, उस तरीके से इसमें वहाँ कैमरा मिलता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो ये कुछ इसका सेटअप है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, कलर्स भी दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं इस फ़ोन के। और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोस्तों इसका बैक में है ये वाला, तो ज़्यादा फास्ट तो है नहीं, मैंने पहले भी ट्राई किया था 1-2 बार। और जो इसका फेस अनलॉक है दोस्तों वो एवरेज है, ज़्यादा फास्ट नहीं है, ना ही दोस्तों ज़्यादा स्लो है। तो अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।